हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ड्राई मी समोसा बनाना बता रही हूँ। ड्राई समोसा के लिए इंग्रेडिएंट्स ये है। एक कप हमने मैदा ले लिया है, घी ले लिया है, 2 टेबलस्पून अजवाइन जो हम इसका डो बनाएंगे। स्टफिंग के लिए हमने आलू भुजिया ली है, आप चाहे तो कोई भी सेव इस्तेमाल कर सकते हैं। शक्कर ली है 1 छोटी चम्मच, चाट मसाला लिया 1 छोटी चम्मच, आमचूर पाउडर लिया 1 छोटी चम्मच, सौंफ पाउडर 1 छोटी चम्मच, तिल ले लिया है 1 छोटी चम्मच, 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच मिर्ची पाउडर, नमक ले लिया है 1/2 छोटी चम्मच, 10 या 12 किशमिश ले ली है, काजू को हमने छोटे छोटे टुकड़े में काट लिए। समोसा के लिए मैदा ले लेते हैं मिक्सिंग बाउल में। अजवाइन को हम थोड़ा क्रश कर लेंगे, घी डाल देते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सख्त आटा गूंद लेंगे, नमक भी डाल देते हैं स्वाद के अनुसार। अच्छे से मिक्स करकर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम आटा को गूंद लेते हैं। आटा गूंद गया है, इसे हम 15 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि अच्छे से हमारा आटा सेट हो जाए। जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है, स्टफिंग समोसे की स्टफिंग बना लेते हैं। ये हमने आलू भुजिया ली है, इसे डाल देते हैं मिक्सी के जार में, शक्कर, तिल, धनिया, मिर्च पाउडर, सौंफ पाउडर, चाट मसाला, आमचूर पाउडर। अब हम इसको पीस लेते हैं। ये हमने पीस लिया है, इसे हम दरदरा ही पीसेंगे। इसमें हम काजू और किशमिश भी डाल देंगे। हम एक पैन लेते हैं, अब हम उसमें ये स्टफिंग को थोड़ा सा गरम कर लेते हैं। ज्यादा नहीं, हमें एक मिनट तक ही, ताकि शक्कर थोड़ी मेल्ट हो जाए। 1 मिनट हो गए हैं, स्टफिंग तैयार हो गई है। आप चाहे तो इसमें आमचूर पाउडर के बजाय केचप भी डाल सकते हैं। 15 मिनट हो गए हैं, आटे को हम अच्छे से मसल कर सेट कर लेते हैं, इसकी छोटी छोटी पिल्लोइयां काट लेते हैं। एक छोटी लोई लेते हैं और उसे बेल लेते हैं। इसे बीच से काट लेंगे और इसे फोल्ड कर तिकोना करके। यहाँ भी पानी लगा देते हैं ऊपर के कोनों में और एक पीछे की तरफ हल्की सी प्लेट देंगे और अच्छे से चिपका देंगे। सारे समोसे बन गए हैं, अब हम इसे फ्राई करेंगे। तेल गरम हो गया है और हमें अब समोसों को तलना है। एक बार में जितने आएंगे डाल देते हैं और इन्हें हमें सिम में ही तलना है। इन्हें हमें धीमे ही आंच में ऐसे सेकते रहना है जब तक कि ये गोल्डन फ्राई ना हो जाए। ये अच्छे से एकदम सिक गए हैं, गोल्डन ब्राउन हो गए, अब हम इसे निकाल लेते हैं। एक प्लेट में नैपकिन पेपर रख लेते हैं, ड्राई मिनी समोसा बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत टेस्टी है। इसे आप 15 से 20 दिन रखकर खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा बना है, आप भी घर पर जरूर ट्राई करें। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।